अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं योगा टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, टू गेन द कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब मैं भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में था और हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी, या जब मैं जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया इंटर्नशिप में, या जो भी लोग एंट्री लेवल पे अपनी जॉब को स्टार्ट करते हैं, तो उनको बहुत इश्यू होता है प्रेजेंटेशन के लिए। क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, हमने अपने सीनियर्स के साथ जो है वो सीनियर के सामने प्रेजेंटेशन देनी होती है, प्रेजेंट करना होता है अपने आप को। तो आज मैं वो योगा पोजेस बताऊँगा जो एक्चुअली मुझे हेल्प किए मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी आपने ऑब्जर्व किया है जो बड़े लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, माइट बी योर पेरेंट्स, माइट बी योर टीचर, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशंस और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस होती हैं। उसकी क्या वजह होती है? बिकॉज द मोर ओपन अप योर बॉडी ना, और उनके जेस्चर, उनके पोस्चर्स, उनकी हैंड मूवमेंट, उनके आई एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे होते हैं, विच एक्चुअली मेक देम परफेक्ट एंड क्रिजमेटिक पर्सनैलिटी ना। तो वो हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे, वो एक्चुअली क्यों होता है और उसको हम किस तरीके से, और इवन कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत डीपर वॉइस होती है, जो हमने सुना होगा कि डायफ्रेम से किस तरह हम बोलना चाहिए, ठीक है, तो उनकी डीपर वॉइस भी होती है। तो आज इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे योगा के ज़रिए, और आपने एंड तक वीडियो को देखते हुए इसे परफॉर्म करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा, दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम क्या बात कर रहे हैं? योगा टू गेन द कॉन्फिडेंट, ठीक है जी। किसके लिए? फॉर द प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बात कही थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितने लोग आपने जितना कॉन्फिडेंस हासिल करें, यू हैव टू ओपन अप योर बॉडी। अगर आपने फील किया हो, जो बड़े प्रेजेंटेशन वाले होते हैं, प्रेजेंटर हैं, पोलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपनी बॉडी को हाइड नहीं करते, ठीक है। जैसे आपके पास जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे पास, तो हम क्या होते हैं, हम डाइस के पीछे भी छुपते हैं, ठीक है, पोडियम के पीछे। तो क्या होता है कि जो जैसे ही आपने अपने कॉन्फिडेंस गेन करना, सो यू हैव टू ओपन अप योर बॉडी, ठीक है, सो यू हैव टू यूज़ योर हैंड, योर जेस्चर, योर आई एक्सप्रेशन। वो कब होंगे? इवन व्हेन यू हैव अ डीपर वॉइस, वो कब होगी डीपर वॉइस भी? जब आपकी बॉडी ओपन होगी, जितनी नाइसली बॉडी ओपन हो सकती है, शोल्डर बिल्कुल नाइस एंड रिलैक्स्ड होंगे, ठीक है, चेस्ट बिल्कुल वाइड होगी और हाथ आपके ओपन होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम योगा पोजेस को डिस्कस करेंगे जो आपके बॉडी पोस्चर को ठीक करेंगे। जैसे ही आपकी बॉडी स्ट्रेसलेस और ओपन होगी, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, पहले प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हम मोबाइल यूज़ करते हैं सारा दिन इस तरह से, राइट, हम लैपटॉप इस तरह से यूज़ करते हैं, सो वी हैव अ राउंडेड शोल्डर, हमारे शोल्डर जो है वो स्टिफ होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पोस्चर जो वो ठीक नहीं, तो वो स्टिफ होता है, इस तरह होगा, इस तरह होगा, जिससे हमारे मसल्स अगर स्टिफ होंगे, नर्व्स भी रिलैक्स नहीं होंगे, हम कभी भी कॉन्फिडेंस को गेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बहुत ही नाइस स्ट्रेचेस से, हमने अपनी जो है वो शोल्डर को और अपनी जो है वो चेस्ट को हमने रिलैक्स करना है। ऑटोमेटिकली यू विल सी द डिफरेंस इंशाल्लाह, यू विल सी द नाइस सेंसेशन ऑफ योर बॉडी, यू विल इंशाल्लाह गेन द कॉन्फिडेंस, ठीक हो गया। तो हमने पहले क्या करना है, हम यहाँ हाथ रख लेते हैं कंधे पे, और हमने इसको पीछे से आगे राउंड करना, रोल करना, ऊपर जाते हुए ऐसे लंबा गहरा सांस लेंगे, इनहेल, लंबा गहरा सांस, इनहेल, नीचे आते हुए एक्सहेल। ऑलराइट, ठीक है। जब आपकी आप पीछे की तरफ जाएंगे तो आपकी शोल्डर इस तरह से मूव होंगे, आगे की तरफ आएंगे तो इस तरह से बंद होंगे, ठीक है। तो आपकी वो अपनी चेस्ट ओपन करने में, आपकी बॉडी पोस्चर को सही करने में इसकी बड़ी मदद देगा, ठीक है। फिर बॉडी आपकी वार्म अप भी हो जाती है, तब भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गेन होता है, ठीक है। तो मेरे साथ परफॉर्म करें, 3 times ईच करेंगे, ब्रीद इन, लिफ्ट अप योर शोल्डर ब्लेड, होल्ड फॉर 3 seconds एंड ब्रीद आउट, वेरी नाइस, 1 more time, ब्रीद इन, hold and breathe out, all right, अब 3 times रिवर्स करेंगे, ठीक है, क्लोज, इसी तरह से वापस लेके ब्रीथ इन, शोल्डर ब्लेड को उठा के रखेंगे 3 seconds के लिए, पहले हम मैक्सिमम इसको पीछे ले आएंगे जितना लेके आ सकते हैं, फिर स्लोली हम नीचे लेके आएंगे, एक्सहेल करते हुए, एक्सहेल। यू विल सी कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस थी आपके कंधों पे वो रिलीज हो रही है, ठीक है। लंबा गहरा सांस, इनहेल, lift up your shoulder blades, hold for 3 seconds and exhale, very nice, I'm feeling very relaxed, 1 more time and breathe out, very nice, ठीक है। हम थोड़े से कंधों को उठाते हैं, पीछे लेके जाते हैं, बिल्कुल जो कंफर्टेबल पोजीशन है खड़े होने की, उस तरह से खड़े होते हैं हम, ऐसे जो बिल्कुल रिलैक्स होने की पोजीशन है, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ योर बॉडी, बिल्कुल आपकी बैक रिलैक्स हो, टेल बोन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, और लंबे गहरे सांस लेते हैं, 2 इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन,
Breathe out. बाज़ का ऐसा होता था, हमारी यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम था, तो वहाँ पे जब प्रेजेंटेशन होती थी तमाम डिसिप्लिन के लोग आ रहे थे, वो 150-200 लोग हो जाते थे, तो मुझे डेफिनेटली थोड़ा सा जो है ना स्टेज का फेयर होता था. तो मैं क्या करता था, ये कहीं पे साइड पे या वॉशरूम में ये पोजीशन कर लिया करता था, तो बॉडी वार्म अप होती थी, बॉडी ओपन हो जाती थी. सो आई यूज़ टू हैव अ वेरी डीपर साउंड और जो कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी थी मेरी, तो पीपल यूज़ टू नो मी, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं वो बता सकते हैं कि मैं आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द योगा, क्योंकि बॉडी मेरी रिलैक्स एंड ओपन होती थी और मैं बड़े मज़े से बड़े रिलैक्स होकर जो है वो प्रेजेंटेशन दिया करता था. नेक्स्ट जो हम मूवमेंट करने जा रहे हैं वो है जी पेंगुइन पोज. जैसे हमने पेंगुइन देखा होगा इस तरह से होता है, ऐसे ही होता है, क्यूट सा जानवर होता है. आपने कंधों को उठाना, हाथ बिल्कुल ढीले होंगे, इनहेल करेंगे ऊपर जाते हुए, फॉरवर्ड करते हुए एक्सहेल. आपने इसको कंप्लीट करना है और इसको बिफोर प्रेजेंटेशन भी करना है. फिर आप ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट में फीडबैक देंगे. ब्रीद इन, होल्ड करें इसको फॉर 3 सेकेंड, ब्रीद आउट. लंबा कर सांस लें, इनहेल एक्सहेल. ऑल राइट ब्रीद इन. जैसे ही हम उठाएंगे, पहले हमने एक्चुअल खड़े होने की पोजीशन में आना, फिर हमने बॉडी के पोजीशन के लिए मूव करना होता है, जो नॉर्मल यूनिवर्सल जो है रूल भी है. अब हम रिवर्स आएंगे, ठीक है. पहले हम स्ट्रेट खड़े हो गए, हमने इनहेल किया, उठाया, पहले हम पीछे ले गए, स्लो स्लो एक्सहेल. तो आप देख रहे हैं कि मेरी चेस्ट को भी, शोल्डर्स को भी, कि हम वाइटली इसको ओपन कर रहे हैं और रिलैक्सेशन के इसको मूड में लेके जा रहे हैं, ठीक है. बिल्कुल पोजीशन पोस्चर ठीक हो रहा है. इनहेल, ब्रीद आउट. ऑल राइट, वन मोर टाइम. ये टिप तो जो है वो बड़े बड़े लीडर्स ने दिया है कि जैसे आप कॉन्फिडेंटली खड़े होते हैं, पाँव जमा के आपकी बॉडी ओपन होती है, तो आप कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है. तो योगा आपकी बॉडी को ओपन करने में, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत काम देता है. अब हम एक्चुअल पेंगुइन पोजीशन होल्ड करेंगे, लेकिन फॉर 15 to 20 सेकेंड. जैसे आप फील करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप होल्डिंग कर पा रहे, तो आपने एकदम एक्सहेल करना है, ऐसे एक्सहेल करना है, ठीक है. तो फिर जिस बॉडी पोजीशन में आप होंगे, आपने उसी पे रहना है और लंबे गहरे सांस लेंगे 2 से 3, ठीक है. तो आप मेरे साथ परफॉर्म करें, 15 to 20 सेकेंड्स को परफॉर्म करें. ब्रीद इन, एक्सहेल. आप वीडियो में देख सकते होंगे जो एक्चुअली मेरे खड़े होने का पोजीशन है, दैट इज़ द पोजीशन टू स्टैंड व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग और व्हेन यू आर टॉकिंग. ये बिल्कुल स्ट्रेसलेस पोजीशन है, ठीक है. इवन यू लुक गुड व्हेन यू हैव अ ग्रेट पोजीशन. तो नॉर्मली मैं इसको भी परफॉर्म किया करता था, टू हैव अ बेटर पोजीशन, टू हैव अ बेटर पोस्चर टू प्रेजेंट. तो आपने इस तरह से खड़ा होना है और 2-3 लंबे गहरे सांस लें. इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. एक और चीज़ जो मैं नेक्स्ट आपको ब्रीदिंग बताने जा रहा हूँ, आपने नॉर्मली देखा होगा कि होता क्या है कि हम जो है वो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हम ब्रीदिंग कम करते हैं, ठीक है. ब्लिंक भी नहीं करते, स्माइल भी नहीं देते. जब हम ब्रीथिंग नहीं करते तो हमें शॉर्ट ब्रीथिंग नॉर्मली होती है. जब शॉर्ट ब्रीथिंग होगी तो हम थोड़ा सा मंबल करते हैं, ठीक है. पसीना भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा. तो नॉर्मली उसके लिए जो मैं टिप यूज़ करता था वो पोज होता था, यानी कि जैसे आपने कोई बात की तो देन आपने जो है वो एक नाइसली सा पोज लिया. जो पोज है वो इट हैज़ अ वेरी गुड पावर, ठीक हो गया. तो आपने क्या होता है, आपके मुंह में सलाइवा भी नहीं बहुत ज़्यादा आएगा, जो आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो है प्रेजेंटेशन में आता है. और दूसरा, आपको जो है वो ब्रीदिंग का इशू नहीं होता, जो शॉर्ट ब्रीदिंग का इशू होगा और आप हकलाने लग जाते हैं. जैसे अभी आप रिलेट कर पाएंगे, हकलाएंगे भी नहीं. उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें 3 सेकेंड जो टेक्निक होती है ब्रीदिंग की, वो उसको ट्राई करना होगा. वो कैसे करेंगे, एट द काउंट ऑफ 3 हमने इनहेल करना है, 3 सेकेंड तक इनहेल करते रहना है, 3 सेकेंड होल्ड एंड 3 सेकेंड में एक्सहेल. आपकी बॉडी, आपके नर्व्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और आप बहुत ही नाइसली विद कॉन्फिडेंस जो है अपनी प्रेजेंटेशन को दे पाएंगे, ठीक है. सो लेट्स प्रैक्टिस इट विद मी. हम 3 सेकेंड में इनहेल करते हैं, एक्सहेल. वेरी नाइस. तो नाक से इनहेल करेंगे, 3 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे एट द काउंट ऑफ 3. तो
आप अगर इसको 5 दफ़ा ही परफॉर्म कर सकते यू कैन डेफिनेटली सी द चेंज कि आपको किस तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स होगी एंड यू विल प्रिपेयर्ड फॉर दी प्रेजेंटेशन. तो एक दफ़ा परफॉर्म कर दिए 4 टाइम्स और मेरे साथ आप इसको परफॉर्म करें. एक्सहेल. आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स वेरी फाइन. All right, very nice. You're doing great. दो दफा और करते हैं. एक दफा और परफॉर्म करते हैं. All right, I can't explain my inner feeling, how relaxed I'm feeling. और डेफिनेटली अगर मैं परफॉर्म करके कॉन्फिडेंस को गेन कर सकता हूँ और मैं अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, अच्छे इंटरव्यू में अपेयर हो सकता हूँ, अच्छा प्रपोज़ल जो है वो प्रेजेंट कर सकता हूँ, अच्छा प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. तो आप इन जो है वो योगा पोज को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा. अपने फ्रेंड एंड फैमिली में से अपने दोस्तों को अपने कज़न को ज़रूर शेयर करें. जो तमाम लोग जो है वो स्टेज के फेयर से बहुत ज़्यादा जो है वो उनको प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस एंजाइटी होती है, ताकि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सके. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.